वेलकम टू गाइस, आज हम चलेंगे घाटमपुर के बेटा बुजुर्ग गांव में। तो यहां की मान्यता है कि यहां पे एक मंदिर है जो कि मानसून आपको बारिश होने से पहले ही बता देता है, जिसका नाम है जगतनाथ मानसून टेंपल, जो कि बेटा बुजुर्ग नाम के गांव में है। आप देख सकते हैं यहां पे कि किस जगह पे है, यहां पे लिखा भी है जगन्नाथ मंदिर प्राचीन मूर्तियाँ। तो हम चलेंगे यहाँ पे देखने कि यहाँ की मान्यता कैसी है और ये मंदिर कितना पुराना है। तो बाहर से हमने मंदिर को देखा तो काफ़ी अच्छा है, पुराना लग रहा है और काफ़ी भी वहाँ पे जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ही अच्छा है, फ्रेश हवा मिलती है और बहुत ही भद्दर गांव है, मतलब कि काफ़ी घना गांव है और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे बहुत ही सुकून मिला था कि वेलकम टू गाइस, आज हम लोग कानपुर से घाटमपुर पे आए हैं बेटा गांव में। तो यहाँ पे एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर जगन्नाथ प्रभु का। तो बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 200-250 साल का, और यहाँ पे मौसम पहले पता चल जाता है कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये है प्रभु जगन्नाथ मंदिर। और यहाँ पे जब भी आइएगा यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही सुकून और काफ़ी अच्छा माहौल है, गांव का माहौल है और काफ़ी शांति है। अगर आप यहाँ रहने आएंगे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं कि अंदर आपको कैसा सीन मिलने वाला है। ये है भोले बाबा का मंदिर, यहाँ पे 3 शिवलिंग हैं और एक नंदी बाबा बैठे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, ये बजरंगबली बाबा और ऊपर नाग देवता की छवि बनी हुई है पत्थरों पे, ये भी काफ़ी अच्छी लगी है देखने में। ज़्यादातर पुरानी चीज़ों में काई लग जाती है तो इसलिए कैमरों में क्लियर नहीं दिखा देती है, जब आप वहाँ पे जाएंगे सामने से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और पुरानी चीज़ें तो देखने में वैसे भी इंटरेस्टेड होती हैं, नेचुरली होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। ये देखिए 3 शिवलिंग बहुत ही अच्छी लग रही हैं। चलिए चलते हैं अब बाबा जगन्नाथ मंदिर के अंदर। और ये देखिए, ये है भोले बाबा का मंदिर और ये है बाबा जगन्नाथ का मंदिर, और काफ़ी भी अच्छी तरीके से झंडा इनका लहरा रहा है हवा में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं बाबा के दर्शन करते हुए। और अंदर गाइस काफ़ी अंधेरा था तो अंदर के व्यू अच्छे से आ नहीं पाया है, तो गाइस बाबा के दर्शन मिल गए हैं, सिर्फ बाबा की फ़ोटो आई है और अंधेरे में कुछ नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि जब हम अंदर जा रहे हैं अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर उजाला है, लेकिन जब जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं गेट के अंदर जा रहा हूँ और पहले दिखा गेट, अब फिर अंदर जाएंगे, फिर अब हमें बाबा के दर्शन मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, अब बाबा पूरे तरीके से दिख रहे हैं। चलिए अब हम अंदर जाएंगे और इनके दर्शन करेंगे। और इसके तो हेलो गाइस, आज हम प्रभु जगन्नाथ प्रभु के पास आए हैं और ये पता करेंगे कि कितने साल पुराना मंदिर है। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी बताइए कितने साल पुराना मंदिर है ये? ये बहुत युगों पुराना मंदिर है, इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवन थालक में नहीं हुआ। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ जो देखेंगे सिंधु घाटी, हड़प्पा आदि समकाल के स्थान मिलते हैं, और हिंदू सिंधु और हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से मिले, चाहे लोथल हो, रूपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तो सभी स्थान खुदाई से मिले। इससे एक बात ये प्रमाणित होती है कितना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत में नहीं हुआ। तो ये स्थान बहुत ही प्राचीन था। ठीक है, धन्यवाद करते हैं पंडित जी, धन्यवाद।
और मिलते हैं हम बाद में। जय हो बाबा जगन्नाथ। सो गाइस, बाबा के दर्शन करने के बाद हम अब प्रस्थान करते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हम लेट भी हो रहे थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो ऐसी तरीके की जुड़ी हुई कंटेंट आपको मिलती रहेंगी। ऐसी इसी तरीके की हर तरीके की मंदिर की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में रहिएगा और जुड़े रहिएगा, तो आपको इस तरीके की जानकारी मंदिरों से रिलेटेड मिलती रहेगी और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज़।